और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अशोकनगर से, जहां स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हिमांशु शर्मा एक्शन मोड में। 4 निजी बंगाली क्लिनिक को किया गया सील। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई कार्रवाई। क्लिनिक पर बिना रजिस्ट्रेशन के हो रहा था इलाज। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से आ रही है, जहां स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हिमांशु शर्मा एक्शन मोड में। 4 निजी बंगाली क्लिनिक को किया गया सील। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई कार्रवाई। क्लिनिक पर बिना रजिस्ट्रेशन के हो रहा था इलाज। आज जो है, मैं बहुत दिन से शिकायत मिल रही थी शायद उन्होंने, यहाँ पे बहुत सारे RMT जो हैं उल्टा सीधा इलाज कर रहे हैं और जिनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और दुकान खोले बैठे हैं, क्योंकि शाडोरों में कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट पाए गए और डेथ भी काफ़ी हुई हैं। सुनने में आया है, 1-2 डेथ में तो मैं भी आया हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने आज औचक निरीक्षण किया, यहाँ 4 दुकानें खुली हुई पाई गई जिन पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और कुछ भी नहीं था और वो इलाज कर रहे थे और जो कि सामान्य चीज़ें भी शरीर में आदमी की नहीं बता पा रहे थे जी। तो मैंने उन 4 दुकानों को सील किया, उनके कागजात, उनकी दवाइयाँ सील करके ले जा रहा हूँ और FIR दर्ज के नीचे बोल रहा हूँ।